Hello student, in last video we have discussed about the derivatives of the integument. Okay, integuments ke derivative dekhe the jisme ki humne do types dekhe the, epidermal derivative and dermal derivative. Okay, then this epiderm is comprised of two types, that is the epidermal gland, okay, and the epidermal scales, curds, beak, horn, claws, nails, hoof, horn, feather, hair, etc. Okay, to isme humne epidermal ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे जिसमें कि हमने उसके 9 मेजर टाइप्स देखे थे. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स. ओके, सो ऑल द हार्ड एंड हॉर्नी स्ट्रक्चर डेवलप बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द सेलेरो प्रोटीन नोन एज द केरेटिन. ओके, ये केरेटिन के बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस में भी पढ़े थे जिसमें कि दो रीजन होते हैं, आउटर रीजन एंड द इनर रीजन. ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट रीजन है इट इज मेड अप ऑफ द लेयर ऑफ डेड एंड यूजुअली फैट एंड स्क्वैमस सेल. ओके, दैट स्क्वैमस सेल नोन एज द जो उसकी स्क्वैमस सेल की जो लेयर होंगी वो लेयर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटम कोरिनियम. ओके, स्ट्रैटम कोरिनियम बोलते हैं. सो दिस स्ट्रैटम कोरिनियम एंड इट्स सेल एक्युमुलेट द हार्ड हॉर्नी प्रोटीन नोन एज द केरेटिनिन. ओके, कैरेटिन से बना होता है. तो ये जो कैरेटिन प्रोटीन होता है ये कैसे होता है, इट इज ग्रेजुअली द डेड एंड इवेंचुअली वेयर्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ द स्कर्फ और अ डैंड्रफ. ओके, ये डैंड्रफ के थ्रू या फिर स्कर्फ के थ्रू ये हमारे बॉडी से या फिर वर्टिब्रेट्स के बॉडी से ये एलिमिनेट होता है. तो ये जो कैरेटिन होता है इट इज नोन एज द स्केलेरो प्रोटीन. ओके, सो सच सेल आर सेट टू बी कैरेटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड. ओके, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं जो कैरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, एक तो कैरेटिनाइज्ड या फिर कॉर्निफाइड. सो दे बिकम डेड. ऑल द स्ट्रेटम कोरिनियम सेल आर कॉर्निफाइड एंड फॉर्म्स द हार्ड हॉर्नी एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर. ओके, ये हार्ड और हॉर्नी एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जैसे कि स्केल्स होते हैं, बीक्स, हॉर्न, क्लॉज, नेल, हूफ्स, फीदर, हेयर्स. तो कैसे होता है एपिडर्मल स्केल, इट इज अ हार्ड हॉर्नी, इट इज अ हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर, इट इज अ हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर एंड डेवलप्ड बाय द प्रोटीन known as keratin. okay, क्या बोलते हैं उसको, keratin बोलते हैं. so ये कैसे होते हैं keratin, it is made up of the dead cells. okay, this is made up of the dead cells. so all the stratum corneum cell are cornified and form a hard horny exoskeleton. okay, ये कैसे hard horny जो structure form होता है, तो for example like scales, बीक्स जैसे कि क्लॉज, नेल्स, हूफ, हेयर, फीदर एक्सेट्रा. तो ये सब कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हार्ड और हॉर्नी स्ट्रक्चर होते हैं. सो द रेप्टाइल हैव अ कंटिन्यूअस आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ड हॉर्नी एपिडर्मल स्केल दैट प्रिवेंट्स द वॉटर लॉस थ्रू द स्किन सर्फेस. अब रेप्टाइल में क्या होता है, रेप्टाइल्स में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस आउटर कवरिंग होती है ऑफ अ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल. ओके, हार्ड हॉर्नी एपिडर्मल which prevent them to the water loss through the skin surface. okay, water loss okay, उनके स्किन से ज्यादा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रेप्टाइल्स के बॉडी में एक हार्ड हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होता है. उसी टाइप में लिजार्ड में भी, लिजार्ड के जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थीन, स्मॉल, ओवरलैप एंड पीरियोडिकली माउंटेड इन द स्मॉल पीसेस. ओके, लिजार्ड का कैसे होता है,
They are thin, small, overlapping, और उसी के साथ साथ क्या होता है, दे पीरियोडिकली माउंटेड आउट, मतलब हर पीरियड के टाइम में वो शेड होते जाएंगे और वापस से नई स्किन डेवलप होते जाएंगे, ठीक है. सो पीरियोडिकली माउंटेड, ओके, पीरियोडिकली माउंटेड इन द स्मॉल पीसेस, थोड़े थोड़े पीसेस में उनकी स्किन जो है वो शेड होते जाएंगे. देन स्नेक ऑल्सो, इन द स्नेक ऑल्सो द स्केल्स आर ओवरलैप, ओके. स्नेक्स में भी कैसे होते हैं, ओवरलैप होते हैं एंड एनलार्ज ऑन द हेड कॉल्ड एज द शील्ड, ओके. जो स्केल्स इन स्नेक्स होते हैं, तो स्नेक्स में कैसे होते हैं, हेड साइड में कैसे होते हैं, थोड़े एनलार्ज होते हैं. सो इन द हेड, हेड में कैसे होते हैं, एनलार्ज होते हैं, नोन एज द शील्ड, ओके. और जो वेंट्रल साइड के होते हैं, इट इज नोन एज द स्क्यूट्स, ओके. जो हेड के तरफ जो स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं, और जो वेंट्रल साइड में जो स्केल रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, स्क्यूट्स बोलेंगे. सो ये दोनों में, ये लिजार्ड में और स्नेक्स में कैसे होता है कि उनकी जो स्ट्रैटम कोरिनियम है ऑफ द एंटायर बॉडी, ओके, इज पीरियोडिकली शेल्ड इन पीसेस एट द टाइम ऑफ द एसिडाइसिस, ओके. मैंने आपको पहले भी वर्ड बताया था, ये एसिडाइसिस दैट इज नोन एज द शेडिंग ऑफ स्किन. स्नेक में आपने, स्नेक में नॉर्मली एग्जांपल देखा होगा कि वो अपनी खाल छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद और उसके बाद फिर नई स्किन डेवलप होती है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द एसिडाइसिस. तो ये एग्जांपल लिजार्ड में और स्नेक में दोनों में देखने को मिलता है. सो इन द पीरियोडिकली, ओके, पीरियोडिकली. सो इन क्रोकोडाइल एंड टर्टल हैव अ लार्ज थिक रेक्टेंगुलर स्क्यूट्स, नॉट ओवरलैप बट टफ ओके. सो क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल्स और जो टर्टल्स होते हैं, अब हमने लिजार्ड में देखे थे कि लिजार्ड में और स्नेक में दोनों की स्किन कैसे होती है, इट इज ओवरलैपिंग. तो इनमें कैसा होता है, और इनकी स्किन थिन भी होती है, बट इनमें कैसे होती है, थिक होती है, देन नॉट ओवरलैप. ओके, ओवरलैप नहीं होती है, बट इट इज टफ, ओके, बट इट इज टफ एंड सपोर्ट बेनिथ बाय द डर्मल बोन्स, ओके. सो आई एम गोना शो यू इन द डायग्राम, दिस वन इज द फिगर ऑफ द वीएस सेक्शन, ओके. ये कैसा वीएस सेक्शन ऑफ द स्किन है. सो दिस डायग्राम इज ऑफ स्नेक एंड लिजार्ड, और ये डायग्राम क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स की. तो इसमें देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है, इट इज द ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, ओके. ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, दिस वन इज द ओवरलैपिंग, बट इन द क्रोकोडाइल्स यू कैन सी ये यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, ओके. दिख रहा है डायग्राम, इसमें कैसी है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे ओवरलैपिंग है, बट यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, नॉट ओवरलैप. और ये कैसा है, ये थिन भी है, बट दिस वन इज द थिक, ओके. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द डर्मिस, ओके. ये डर्मिस है और ये लेयर जो है दैट इज द एपिडर्मिस, ओके. ये डर्मिस एंड दिस वन इज द एपिडर्मिस. और ये जो हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर है दैट इज द हॉर्नी एपिडर्मल स्किन.
So in this crocodile and turtle skin, you can see these are the horny epidermal scale. Lizard के इसमें देखाऊंगा कि ये ऊपर साइड में प्रेजेंट है, एट द अपर मोस्ट साइड, अपर टू द इपिडर्मिस हॉर्नी इपिडर्मल स्केल आर प्रेजेंट. बट इन द क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल हॉर्नी इपिडर्मल स्केल इज प्रेजेंट इन साइड द इपिडर्मिस. ओके, इन साइड इपिडर्मिस प्रेजेंट है. और ये हार्ड स्ट्रक्चर जो है ये है बोनी डर्मल प्लेट्स. ओके, सो जो स्किन होती है, ओके, आउटर मोस्ट स्किन ऑफ द क्रोकोटाइल इज नोन एज द स्कर्ट्स. तो ये जो स्कर्ट्स है तो ये कैसे होते हैं, ये कुछ टाइम के बाद इन द पैचेस ऑफ द इंटरवल इट्स शेडेड ऑफ. ओके, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं. जो टूथलेस हॉर्नी बीक ऑफ द टर्टल होती है और जो रैटल स्नेक के जो रैटल्स होते हैं, ओके, सो दे आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रैटम कोरिनियम इन द रेप्टाइल्स. सो इन द बर्ड्स द स्मॉल इपिडर्मल स्केल आर प्रेजेंट ऑन द लोअर लेग फुट एंड द बेस ऑफ द बीक. सो द शीट्स ऑफ द बीक इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रैटम कोरिनियम. नाउ नेक्स्ट वन इज द डर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स. पहले हमने इपिडर्मल ग्लैंड देखे थे, देन इपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स देखे थे. नाउ द डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स. सो द बोनी स्ट्रक्चर डेवलप विद इन द डर्मिस एंड आर द मेसोडर्मल इन द ओरिजिन. कैसे होता है, इट इज द जो बोनी स्ट्रक्चर होता है विद इन द डर्मिस, ओके, इट इज फ्रॉम द मेसोडर्मल ओरिजिन. हमने पहले भी देखे थे कि जो इपिडर्मिस होता है इट इज मेड अप ऑफ द सॉरी नॉट मेड अप ऑफ इट इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म. और जो डर्मिस होता है इट इज डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म. सो ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है विद इन द डर्मिस इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर. बट ये कैसे हुआ है, इट इज रिटेन इन रिड्यूस्ड फॉर्म इन द मोस्ट ऑफ द लिविंग फिशेस रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, तो हमने इपिडर्मल स्केल्स में देखे थे कि कुछ समय के बाद, ओके, इन द पीरियड्स ऑफ द इंटरवल उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, वो शेड होती है. बट डर्मल स्केल में कैसे होता है, इट इज नॉट शेडेड ऑफ. ओके, इट इज नॉट शेडेड. बट कैसे होता है, इंक्रीज इन द साइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बाय एडिशन ऑफ द न्यू बोन. हमने इपिडर्मिस में क्या देखा था कि कुछ समय के बाद जो उनकी स्किन होती है वो शेड होती है, शेड होने के बाद फिर से नई स्किन डेवलप होती है. बट ये जो डर्मल स्केल होते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये शेड ऑफ नहीं होते हैं, ये कभी भी शेड ऑफ नहीं होते हैं. बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम नए नए बोन्स उसमें ऐड होते जाते हैं. ठीक है, बोन्स ऐड होने के साथ साथ क्या होता है, ये इंक्रीज इन द साइज. सो इट नॉट शेड बट इंक्रीज इन साइज. ओके, इंक्रीज इन साइज कैसे होते हैं, न्यू बोन्स जैसे जैसे फॉर्म होते जाते हैं वैसे वैसे उनका साइज इंक्रीज होते जाता है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल. ओके, तीन टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल है. पहला है डर्मल स्केल ऑफ फिशेस, देन द डर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स ऑफ टेट्रापोड्स और डर्मल फिनरेस. ओके, सो फर्स्ट वन इज द डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेस. ओके, तो डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेस. अब फिशेस के जो स्केल होते हैं आपने पढ़े होंगे कि जैसे कॉस्मोइड स्केल, प्लैकोइड स्केल, गैनोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, स्टेनोइड स्केल, तो ये सब हो गए डर्मल स्केल. क्या हो गए, ये डर्मल स्केल हो गए. सो दिस डर्मल स्केल आर डेवलप इन द डर्मिस. ओके, ये कैसे होते हैं, इट डेवलप्ड इन
ये कार्ड डेवलप होते हैं इन द डर्मिस. सो इन फिशेज द ओवरलाइन इपिडर्मिस वेयर्स ऑफ सो डैट द स्केल बिकम एक्सपोज फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन. ये एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है. सो पांच टाइप के डर्मल स्केल होते हैं. ओके सो फाइव टाइप्स. कौन से फाइव टाइप्स है? फर्स्ट वन इज द कॉस्मॉइड स्केल. सो दिस इज ऑकर्स इन द एक्सटिंक्ट लो फिन फिश. ओके जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रॉसोप्टेरिजिन. ओके क्रॉसोप्टेरिजिन में कॉस्मॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द प्लैकोइड स्केल्स. सो दिस स्केल्स आर सीन इन द और दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्मो ब्रांची. देन थर्ड स्केल इज द गैनोइड स्केल. सो दिस आर प्रेजेंट इन द गैनोइड फिशेस. देन फोर्थ वन इज द साइक्लॉइड स्केल. सो दीज आर फाउंड इन द टेलियोस्ट. ये टेलियोस्ट में देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैलमन फिश का नाम सुना है ना, तो इसमें इसमें टेलियोस्ट में हमें ये साइक्लॉइड स्केल देखने को मिलते हैं. उसी के साथ साथ स्टेनॉइड स्केल. दीज आर ऑल्सो सीन इन द टेलियोस्ट. ओके मॉडर्न ये लोअर टेलियोस्ट में और ये मॉडर्न टेलियोस्ट में. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स ऑफ टेट्रापोड्स. डर्मल स्केल्स एंड सो द डर्मल स्केल और द बोनी प्लेट मेजरिंग अप टू 1 to 2 centimeter. ओके इट मेजर अप टू 1 to 2 centimeter नॉट मिलीमीटर. सो एंड कॉल्ड एज ओस्टियोडर्म्स. ओके इसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोडर्म. सो दीज आर फाउंड एम्बेडेड इन द पॉकेट ऑफ द डर्मिस. ओके वेयर दीज आर फाउंड इन एम्बेडेड इन द पॉकेट्स ऑफ डर्मिस एंड बिलो द एपिडर्मिस. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ओपोडा इन द एम्फीबियंस and these are also occurs in the back of the some tropical throats. So I'm gonna show you the diagram. So in the diagram you can see this layer is the epidermis layer. Okay and this layer is the dermis layer and this structure is known as the osteoderms. ओके सो एम्बेडेड इन द पॉकेट ऑफ द डर्मिस. ये डर्मिस के पॉकेट के अंदर प्रेजेंट है. ओके बिलो द इपिडर्मिस. इपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है. सो अमोंग द मैमल्स द बोनी प्लेट और ओस्टियोडर्म्स ऑकर इन द आर्मोडिलोस एंड द वेल्स. आपने नाम सुने होंगे आर्मोडिलो का. ओके सो इन द मैमल्स these are found in the armadillos and whales. Now the third one is the dermal fin rays. So ये जो dermal fin rays होती है ये normally fishes में पाई जाती है. So it is the long flexible fin rays embedded in the dermis. Okay? So these are found in the fishes and long होती है flexible rays. So
These are embedded in the dermis. Okay, embedded in dermis. So कुछ example है fishes के, तो ये different different types में जो इनके जो dermal fins है इनको अलग अलग नाम है. So first one in the chondrocytes, इनमें कैसे होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉल्ड एज द सेरियोटोट्रेचिया. ओके, इनको क्या बोलते हैं, सेरियोटोट्रेचिया. सो नेक्स्ट वन इज द पोस्ट्रियो साइट्स, इनमें कैसे होते हैं, दे आर ब्रांच एंड मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ द सेगमेंट और अ स्केल एंड कॉल्ड एज द लिपिडो ट्रेचिया. ओके, क्या बोलते हैं, लिपिडो ट्रेचिया बोलते हैं. और जो अनसेगमेंटेड शार्प एंड स्पाइन लाइक फिन रेज होती है दे आर टर्म एज द ओके अनसेगमेंटेड. इसमें कैसे थे, दे आर मेड अप ऑफ द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. और लिपिडोट्रेचिया में कैसा था, दे आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सेगमेंट, सीरीज ऑफ सेगमेंट, और इनमें ब्रांच थी. और जो अनब्रांच्ड है और अनसेगमेंटेड शार्प, ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनो ट्रेचिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द डर्मल स्केल एंड स्क्यूट. इन नेक्स्ट वीडियो हम डिजिटल कॉर्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू.